जो पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था चाहे सोचो, हमने इसके अंदर पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप। अब देखिए आपके सामने हम सवाल रखते हैं, विच वन ऑफ आर कंपोनेंट, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसमें एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट कौन सा है? जी शाबाश, पर्सनल कंजम्पशन है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, और क्या है, सब्सिडीज है। जी बच्चों, विच वन वी शुड, कि हमारी जो इक्वेशन है बेसिकली तो वो है C+, C+, I+, G+, X-M। एक फैक्टर है सब्सिडीज, जिसका ताल्लुक है गवर्नमेंट के साथ, जाहिर है गवर्नमेंट के खराजात सब्सिडीज में हो जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन पहले इसके अंदर है, इसलिए आपने आल ऑफ अबोव की ऑप्शन करेक्ट ले। अच्छा बच्चों, विच वन इज नॉट कंसीडर्ड इन एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड में आप किस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर जो है ये फैक्टर है, और फैक्टर डिमांड क्या होती है, फैक्टर डिमांड इज ऑलवेज अ ड्राइव डिमांड, यानी इसकी डिमांड जो है वो तब बढ़ेगी जब इससे बनने वाले प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। क्या हाल है? तो कॉटन प्रोडक्ट है वो एग्रीगेट डिमांड में आएगा, साल्ट भी आएगा, और लेबर जो है वो फैक्टर्स डिमांड बन जाएगी, और उसको हम जो है क्या कहेंगे, इट इज अ ड्राइव डिमांड। अच्छा बच्चों, अब देखिए, इफ एक्सपोर्ट्स बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन फर्म, फॉरेन फर्म्स के लिए एक्सपोर्ट क्या हो जाए, अट्रैक्टिव बन जाए, देन एग्रीगेट डिमांड का किधर जाएगी, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है। जब फॉरनर्स आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना चाहते हैं आपकी चीजों को, तो इसका मतलब यह है आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, अगर 1 या 2 हो गई है, बाहर के लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन अगर इंपोर्ट बढ़ जाती तो फिर क्या होता, फिर ये लेफ्ट चली जाती है, इसका मतलब आप दूसरों की चीजें खरीद रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो ए ऑप्शन पिक कर लीजिए। अच्छा बच्चों, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ इनवर्ड शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कौन सी वजह सही नहीं है एग्रीगेट डिमांड के लेफ्ट वर्ड स्विच करने की या इनवर्ड स्विच करने की? कंज्यूमर अगर ज्यादा स्पेंडिंग करता है तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और हम राइट वर्ड जाएंगे। ठीक है जी, अगर फर्म्स जो है ऑप्टिमिज्म आता है तो फर्म्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा और हम राइटवर्ड ही जाएंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर ऑन पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट डेवलपमेंट में खर्चा करेगी, तब भी हम किधर जाएंगे, राइटवर्ड जाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। ठीक है जी, तो तीनों पॉइंट राइट के हैं, लेफ्ट का कोई पॉइंट है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ अबव। ठीक है जी, गवर्नमेंट डैम बनाएगी, सड़कें बनाएगी, उससे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, अब कहता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग एक्चुअल एक्सपेंडिचर रादर देन इफ इकोनॉमी वाज एट इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल। किस चीज की डेफिनेशन है ये? इफेक्टिव डिमांड की, कि जब आपकी डिमांड जो है ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, आपकी जो रियल आउटपुट है वो यहां पर है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट में इतनी होनी चाहिए। तो देखिए, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी मीन्स वाई वन इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एक्चुअल इनकम मीन्स वाई वन रादर देन इफ द इकोनॉमी वॉज एट इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल वाई एफ।
तो अखराजात वाई वन पर है, होने कितने चाहिए वाई एफ पर। इसका मतलब इकोनॉमी अभी आगे जा सकती है, पोटेंशियल मौजूद है, और इसी को हम कहते हैं ये है इफेक्टिव डिमांड। बल्कि हम नहीं कहते, ये जॉन मैनूर केन्स कहता है। केन्स, केन्स को जानते हैं? नहीं जानते? केन्स यार ये अपना, इसके तो गधे का टायर पंचर हो जाता है, उसके गधे के टायर को पंचर लगवा गया था। अच्छा बच्चों, विच कॉज अ शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू लेफ्ट, किसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड जा सकती है। सीधी बात है, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो राइट, और कम हो जाए तो लेफ्ट। के मजदूर पहले 8 पेयर ऑफ शूज बना रहे थे, अब वो 6 बना रहे हैं, तो जाहिर बात है एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड मूव कर दी। बाकी इंक्रीज इन ओवरऑल स्पेंडिंग, इससे तो एग्रीगेट क्या होना चाहिए, ये तो फैक्ट्री किसका है, डिमांड का है, सप्लाई का नहीं है। और डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी डिमांड का फैक्टर है। डिक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी डिमांड के फैक्टर्स है सारे। अच्छा बच्चों, इन चेंज इन इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन कॉज, अगर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगी तो क्या होगा। बेसिकली यहां एक राइटर कहना ये चाह रहा है कि अगर प्रोड्यूसर, देखिए सारे फैक्टर्स सप्लाई के दिए हुए नीचे, कि अगर प्रोड्यूसर को फील हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, प्रॉफिट उसका कम हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जबकि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस हैं, पता है कि रॉ मटेरियल महंगा हो जाना है, आपको पहले ही पता है कि रॉ मटेरियल महंगा हो जाना है, तो रॉ मटेरियल महंगा होने से कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होंगे, अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या कर दी जाएगी, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम कर दी जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? हाँ ये ठीक है, उसने मेंशन नहीं किया लेफ्ट या राइट, चलो ये तो और भी अच्छी बात है, वैसे लेफ्ट बढ़ जाएगा है ना बच्चों। अच्छा अब बात आ गई क्या जी, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ना वो वर्टिकल है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल है। क्यों वर्टिकल है जी, क्योंकि ये शो करती है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उससे आगे आप जा ही नहीं सकते। अब फ्लेक्सिबिलिटी का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और फर्म एबल टू स्विच रिसोर्सेज, ये तो पीपीसी में कहीं होगा, प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व का कॉन्सेप्ट होगा। क्या हाल है, गवर्नमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन डिसीजन, ये तो एक प्रॉब्लम है ना जी, तो इसको अलग रखेंगे। क्लियर बच्चों, सही बात समझ आ रही है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, अब कहता है ए वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट इफ, जी शाबाश, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, टू राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्यों जी, एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा, क्यों। अगर आप देखें तो ज्यादा अच्छा ये नहीं कि अगर आप ये कह दें कि उसकी क्या चेंज होगी, प्रोडक्टिव पोटेंशियल, लेकिन एक बात है कि आपकी बुक में क्या दिया उन्होंने, है यही है चेंज इन प्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी ना एक्चुअली इसके बीच में आ जाती है, कवर हो जाती है, क्योंकि वो पॉइंट जरा बड़ा है कि प्रोडक्टिव, जाहिर टेक्नोलॉजी का बढ़ना, लेबर की प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, हर चीज आती एंड पे किस पे है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल पे, ठीक है। अगर ये पॉइंट ना होता तो मैं भी आपकी तरह चेंज इन टेक्नोलॉजी पे ही टिक करता, लेकिन जब मैंने सोचा तो मैंने कहा ये पॉइंट उससे बड़ा है और उसके अंदर ये पॉइंट एडजस्ट हो जाता है, तो मोस्ट सुटेबल इसको ही समझना चाहिए। अच्छा बच्चों, इन्फ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट व्हेन, इन्फ्लेशनरी गैप कब रिप्रेजेंट होता है, जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, एक्सीड कर जाए किससे, प्रोडक्टिव पोटेंशियल से, यानी आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व रह जाए पीछे
और आपका जो डिमांड है वो उससे भी आगे मूव कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप यहां आ गए हैं, यानी प्रोडक्टिव पोटेंशियल से भी आगे जाने की कोशिश करें, जो कि आप जा नहीं सकते, तो फिर कीमतें नहीं जाएंगे, यानी प्राइसेस के एतबार से जाएंगे, रियल टर्म में तो नहीं जाएंगे, लिहाजा इसको क्या कहा जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा बच्चों, ये 10 सवाल है, इनकी रिकॉर्डिंग